नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैटनिक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, मैंने साइज के हिसाब से अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। पूरी लंबाई इसकी 14.5 इंच ली है, 13.5 इंच तैयार लंबाई होगी। डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। शोल्डर इसका 7 इंच लिया है, 7 इंच 2 पॉइंट लिया है शोल्डर, आर्म और 7 इंच लिया है। 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है, तो 32 और 34 के लिए दोनों के लिए ये वाला नाप आप रख सकते हैं। गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे। गहराई इसकी 11 इंच लेंगे, ऊपर से 2.5 इंच ले लिया है। अब देखिए, इस तरह से गले का शेप दे देना है। अब इसे हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट इस पर भी कट कर सकते हैं, निशान बना सकते हैं, या इस तरह से बनाकर इस पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह देखिए, पेपर के ऊपर हमने एक साइड निकाल लिया है, दूसरी साइड भी इस निशान को इस तरह से बना लेना है। उसके बाद देखिए, इसको कट कर लेंगे। तो बाहर वाली साइड से 1 इंच या 1.5 इंच बचाते हुए इस तरह कट कर लेना है। गली वाली साइड से अभी नहीं कट करेंगे, सिलाई लगा देंगे उसके बाद कट करेंगे। तो देखिए, अब अस्तर और कपड़ा पहले जोड़ लेना है। सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, कपड़े की सीधी वाली साइड में अस्तर को रखते हुए। देखिए, इस तरह नीचे वाली साइड सिलाई लगाना है। उसके बाद देखिए, अस्तर को पलटेंगे और ऊपर से सिलाई और लगा देंगे बिल्कुल किनारे से। अब देखिए, साइड से भी इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है, अब इस पर सेंटर मार्क कर लेना है। अब देखिए, गला जो हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर कट किया है, उसे कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगाने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा है उसे कट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर बचाते हुए कट कर देंगे। अब इस वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, दोनों निशानों को मिलाते हुए इसे रखना है, ज़रा भी तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखेंगे। अगर थोड़ा भी तिरछा हो जाता है फिर गला सही से नहीं बनेगा, तिरछा हो जाएगा, इसलिए अच्छे से मिलाकर रखेंगे। उसके बाद देखिए, सिलाई लगा देना है जहाँ से गले का निशान बनाया है। तो देखिए, सिलाई लगा दी है, उसके बाद इसको कट कर लेना है।
तो इस तरह से कट कर दिया है। कट करने के बाद पूरे ही गले पर कट लगा देने हैं। अब देखिए इस कपड़े को अंदर की तरफ पलटना है। यहाँ पर जो कपड़ा है उसे अच्छे से एक सुई लेंगे और उसकी मदद से इसको इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से निकाल लेना है। उसके बाद अच्छे से बनाते हुए गले के ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए गला तैयार हो गया है। अब इस पर डिजाइन बनानी है। डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम पट्टी ले बनाएंगे सबसे पहले। तो सीधा कपड़ा कट कर लिया है। अब इस तरह से देखिए इसको कपड़े को दोनों साइड से अंदर की तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से पट्टियाँ ले लेनी हैं, जितनी लगेंगी उस हिसाब से बना लेनी है। उसके बाद देखिए दो दो इंच की कट करेंगे। अब देखिए इस तरह से ऊपर वाला गला जो है उसको छोड़ देना है, सिर्फ नीचे वाले गले पर ये डिजाइन होगी। तो आधा इंच छोड़ देंगे। आधा इंच छोड़ने के बाद ये इस तरह से लगा लेनी है, दो दो पॉइंट की दूरी पर एक बराबर से सभी डिजाइनों को बना लेंगे। तो इस तरह देखिए इसको बना दिया है। उसके बाद देखिए इस तरह से इन डिजाइनों पर एक एक मोती लगानी है बीच में। तो जिस साइज की मोती लगानी है उतनी ही दूरी रखनी है दोनों डिजाइनों के बीच में। मोती के हिसाब से ये गैप देना है। और देखिए इस तरह लगाना है। यहाँ पर लगाएंगे उसके बाद धागे को पक्का कर देंगे। इसी तरह से देखिए पूरे पर लगा लेनी है। तो देखिए हमने पूरे डिजाइन पर मोती लगाकर इसको अच्छे से बना दिया है। उसके बाद गले पर लेस लगाना है। गले वाली साइड से दो पॉइंट छोड़ते हुए लेस को लगाएंगे। तो इस तरह देखिए लेस को लगा दिया है। अब इसका प्लेट बना देते हैं। तो इस तरह देखिए दोनों साइड से इसका प्लेट बना दिया। उसके बाद नीचे की तरफ भी लेस को लगा देंगे।
अब यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का चकोर कपड़ा ले लेंगे। इस कपड़े से हम 2 लटकन बनाएंगे। तो इस तरह देखिए लटकन बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेना है। अगर आप देखिए जैसे अगर लटकन नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं, या डोरी नहीं लगानी है तो एक बटन भी एक लगा सकते हैं। तो पहले इस तरह से जोड़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक बटन लगा देंगे। तो अब देखिए जो लटकन बनाई है इसको लगाना है। अब इसमें मोती डाल लेंगे। जितनी बड़ी लटकन हमें रखनी है उतनी ही मोतियाँ इस पर डाल लेनी है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर लगा देना है। इसी तरह देखिए दूसरी लटकन को भी लगा देना है और 2 यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे भी लटकन हमने लगा दी है और ऊपर भी। तो डिजाइन अब हमारा बन के तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।